अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद अब्दुल मनान सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ आने से पहले काफ़ी जगह मैं ट्रीटमेंट कराया था, बड़े बड़े दवाखानों में कराया। क्या तकलीफ थी आपको? मेरी तकलीफ पहले एक महीने की बात है ना, एक महीना पहले आप आए थे, पहले तो क्या प्रॉब्लम्स लेके आए थे? चेस्ट पेन होता था, नींद नहीं आती थी रात में बराबर। अच्छा। कमर के दर्द की शिकायत थी, बैक पेन, और नींद तो बिल्कुल नहीं आती थी, दो दो तीन तीन दिन तक नींद नहीं आती थी। आपको एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस? स्ट्रेस था, डिप्रेशन में थे, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जमा कराने के बाद मैं काफ़ी कम हो गए, सीधे से 60% के तकरीबन कम हो गई बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह का एहसान। अब जो भी जैसे कमर में दर्द या डिस्क प्रॉब्लम्स है, क्या मशवरा देंगे आप जो लोगों? मैं तो काफ़ी अभी मेरे कंपनी में भी लोगों को बता दिया और तकरीबन दोस्तों ने भी, रिश्तेदारों में भी बताया कि अगर कोई भी बीमारी है तो पहले ही जमा करा लो, बाकी दवाखाना वो कर, यहाँ पे काफ़ी बीमारियों का इलाज। अच्छा, इसमें आपको एक्टिवपन आया जैसा लेजीपन था आपको? काफ़ी मैं दुबला भी हो गया था, मतलब खाना भी खाया नहीं जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। कितना वेट बढ़ा आपका? 3-4 किलो का आराम से बढ़ गया एक महीने में। तो अब खाना वाना अच्छा खाया जाता, पहले गैसेज भी बहुत होते थे, लेकिन अब नहीं, हजम होने लग रहा। 3 महीने डॉक्टर ने तो सलाह दिए थे 3 महीने तक नॉन वेज हमको खा बोले थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खाने पर भी अच्छे से हजम हो रहा। अच्छा, आप लेके आए थे इनको? जी हाँ, मैं आपके मशवरे से ना यहाँ पे आए थे। हाँ, मेरा छोटा भाई है ना। जी जी, और इसलिए बहुत अच्छा है, कराना ज़रूरी है एग्ज़ाम, ऐसे सुनत भी है और अच्छी भी चीज़ है। ऐसे बहुत ज़्यादा इनको लेके हर वो दवाखाने में फिरा, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी गया, वहाँ पर भी बहुत इतना पैसा खर्चा किया, मगर उसमें कुछ नहीं। कितना पैसा खर्च करे वहाँ पर आप? मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपये जो बोल। अच्छा, यहाँ पर कितने खर्च हुए आप? सब मिला के आपको एक महीने का खर्चा तकरीबन 8-9 थाउज़ेंड तक आपको आया। तो आप कैसे मुतमईन हैं इससे? आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मेरा भी एक मकसद है कि जितने भी ऐसे केसेस जो स्पॉन्डोसिस है या आपका ग्रैंड पेंस है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिस्क डिसऑर्डर, उसका इलाज जो सही जगह से करा, क्योंकि दरअसल क्या है, सब में जितने भी टॉक्सिन्स या गंदा मवाद बोलिए उसको, ये तमाम एग्जामा के जरिए खारिज हो गया था, जिसकी वजह से या निकोटीन है, केमिकल सब्सटेंसेस है, यूरिक एसिड है, जितने भी अब नॉर्मल फ्लूड्स जितने भी हैं वो हिजामा के ज़रिए बाहर निकल गया, लिहाजा इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा फ़ायदा हुआ है, हो रहा है, तो हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, ये चूँकि सरकार की सुन्नत है और एक क्लिनजिंग ऑफ द बॉडी एक अच्छा मेथड है जो बॉडी को क्लिनस करता है। इस तरह से आप कंप्यूटर या आप सॉफ्टवेयर वगैरह आपका अपग्रेडेशन होता, वायरस निकालते हो उसका और क्या बोलते हैं, फॉर्मेट भी करते हो उसको आप, इस तरीके से गाड़ी की भी सर्विसिंग होती है 3-3 महीने तक, तो हमारी इंसान की कोई सर्विसिंग नहीं, क्योंकि सरकार ये एक तरीका बता दी कि आपकी सर्विसिंग ज़रूरी है, इस तरह से पैसे के लिए जकात देने से पैसा आपका पाक हो जाता। मैं समझता हूँ कि फोन भी 2.5% अगर जिसम में से निकल गया तो जिसम भी पाक हो जाता, तो इस तरीके से वो चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ायदा हुआ, बहुत खुशी हुई। यह है सेंटर अल हिजामा यूनानी क्लिनिक, इसका एड्रेस है जानकी नगर कॉलोनी गेट नंबर 2 टोली चौकी, और फ़ोन नंबर है 9392439686, और मेरा वेबसाइट है hijamaresearchcenter.com, और मेरा नाम है सैयद सलीमुद्दीन अहमद, और मैं हूँ HOD लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टर हूँ यूनानी मेडिकल काउंसलिंग रिसर्च सेंटर का। अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एडवाइज़र रह चुका हूँ, हिजामा ट्रेनिंग और हिजामा का यहाँ पे ट्रीटमेंट तकरीबन मैं 20 साल से कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फ़ायदा है। अस्सलामु अलैकुम।